अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर। 28 देशों की फ़्लाइटें जो है फिर से जो है बैन हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत से जो है फ़्लाइटें बैन की गई हैं और बाकी 28 देशों से जो है भारत के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों, भारत से भी फ़्लाइटें जाएँगी 28 देशों के लिए एयर बबल एग्रीमेंट के ज़रिए। वो कौन कौन से देश हैं, इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसकी मुकम्मल तफसीलात देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से देशों की फ़्लाइटें स्टार्ट की जा रही हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मल फ़्लाइटें जो स्टार्ट होने वाली थी 1 मई से, अब वो फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इंडिया में डेली बेस पर जो है 1,50,000 से ज़्यादा केसेज जो है कोविड-19 के जो है डेली बेस पर जो है आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों फ़्लाइटें सस्पेंड कर दी गई हैं। एयर बबल एग्रीमेंट के ज़रिए दोस्तों फ़्लाइटें जो स्टार्ट की गई हैं, वो इसमें जो शामिल हैं अफ़गानिस्तान हो गया, इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत, कतर, उमान, बहरीन, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों के लिए जो है फ़्लाइटें स्टार्ट की जाएंगी एयर बबल एग्रीमेंट के ज़रिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इसकी मुकम्मल तफसीलात देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग सऊदी अरेबिया से या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से, यूरोप से आना चाहते हैं या गल्फ़ से इंडिया आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन दोस्तों, इस बार फिर भी नॉर्मल फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं होने वाली इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया में कोरोना फिर से बेकाबू हो गया है। जब तक इंडिया में केसेस कम नहीं होंगे, तब तक जो है इंडिया से नॉर्मल फ़्लाइटें स्टार्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आप इसी इंतज़ार में हैं कि दुबई की या सऊदी की नॉर्मल फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।